students. Good morning. Welcome to our channel DAV MPS Bhawar Mall. Today I am going to teach you of class 5th English book Monday Morning Blues from first unit. Monday morning always found Tom Sawyer miserable. Somwar ki subha, hamesa hi. टॉम सॉयर के लिए दुखदाई होता है बिकॉज विथ इट बिगेन अनदर वीक्स स्लो सफरिंग इन स्कूल क्योंकि सुबह से ये जो मॉर्निंग सुबह है मंडे मॉर्निंग की सुबह यहीं से पूरे हफ्ते के लिए उसे स्कूल जाना पड़ता है जो कि उसके लिए काफ़ी कष्टदायक है टॉम ले इन बेड एंड थाट इफ आई वर सिक आई कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग बेड पे पड़ा पड़ा सोच रहा है दैट मीन्स बेड पर वो सोया हुआ है लेटा हुआ है और सोच रहा है यदि मैं बीमार हो जाता तो मैं स्कूल से दूर रह सकता था दैट मीन्स उसको स्कूल नहीं जाना पड़ता और वो फिशिंग के लिए चले जाता मछली पकड़ने के लिए वो चले जाता ही थाट फर्दर अबाउट इट ये इसके बारे में सोच ही रहा था बट डिस्पाइट ऑल हिज टू डिटेक्ट सम सिम्टम्स परंतु उसका ये प्रयास जो है उसके लिए कुछ सिम्टम तो चाहिए ही कुड नॉट फाइंड एनी थिंग रॉन्ग विथ हिमसेल्फ लेकिन उसने अपने आप को कभी भी कहीं भी गलत नहीं पाया एक्चुअली में सिम्टम नहीं पाया कि वो बाकियों को शो कर सके कि मुझे हाँ ये बीमारी है हिज होप्स बिगेन टू फेल उसके आशा असफल रही सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग अचानक उसने कुछ खोज किया वन ऑफ हिज अपर फ्रंट टिथ वॉज लूज़ उसका जो सामने का जो दाँत था सामने के ऊपर का हिस्सा का दाँत वो टूटा हुआ था ही डिसाइडेड टू यूज़ इट एज एन एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल तो उसने निश्चय किया कि मैं यही बहाना बनाऊंगा ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े ही वॉज़ अबाउट टू स्टार्ट मॉर्निंग और वो कराहना शुरू किया दैट मीन्स दर्द से जो कराहना होता है दर्द से चिल्लाना उसने शुरू किया he remembered that if his aunt came to know, she would pull it out, and that would hurt. उसे ye भी याद था कि अगर उसके आंटी को पता चल गया तो वह इसे ज़बरदस्ती खींच के निकाल देगी और उसे बहुत चोट पहुँचेगी सो ही डिसाइडेड टू यूज़ द tooth एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे तो फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और उसने यही इरादा बताया कि ये दांत वाला जो एक्सक्यूज़ है ये किसी दूसरे दिन वो यूज़ करेगा ही वेंट बैक टू थिंकिंग ऑफ सम अदर वे टू फेक इलनेस फिर वो सोचने लगा और किसी दूसरे तरह के बीमारी का वो सोचने लगा कि दूसरे दूसरा और क्या बीमारी हो सकता है जिससे मुझे स्कूल न जाना पड़े ही रिमेंबर्ड हियरिंग द डॉक्टर डिस्क्राइब एन इलनेस दैट हैड कॉज अ पेशेंट टू लूज़ अ फिंगर अब उसे ये ध्यान में आया कि कभी किसी डॉक्टर से एक बीमारी के बारे में वो सुना था कि पेशेंट जो डेट मीन्स मरीज जो हैं वे अपनी फिंगर उंगलियों को खो देते हैं द बॉय इगर्ली ड्रू हिज सोर टो फ्रॉम अंडर द शीट एंड हेल्ड इट अप फॉर इंस्पेक्शन अब वो बच्चा जो है वो बड़े उत्सुकता से अपने टो तो की उंगलियों को देखने लगा और इंस्पेक्शन करने लगा शीट के शीट के अंदर है और अपने टो की उंगलियों को वो हिलाकर देखने लगा इट सीम्ड वर्थ वाइल टू चांस इट सो ही फेल ग्रोनिंग ऑन द बेड अब उसे ऐसा लगा कि ये बहाना शायद काम कर सकता है तो वह बेड पर पड़े पड़े फिर दर्द से करहाने लगा बट सेड हु नेक्स्ट बेड ऑन सिड जो कि अगले बेड पर सोया था वह जाग गया अभी भी सोया ही हुआ था स्लिप टाउन टॉम ग्रोन्ड लाउडर बट नो रिजल्ट फ्रॉम सिड तो सिड जो है वो बगल के बेड पे सोया हुआ था और वो सोया ही था टॉम के कराने पर भी वो उठा नहीं अब टॉम क्या किया और जोर से कराने लगा लेकिन फिर भी सिड से कोई रिजल्ट नहीं आया फाइनली ही गॉट अप शूक सिड हार्ड एंड देन वेंट बैक टू हिज बेड ग्रोनिंग अब अंततः उसने क्या किया वह उठा सिड को हिलाया और फिर अपने बेड पर जाके करहाने लगा दैट मतलब मीन्स दर्द से चिल्लाने लगा सिड योंड स्ट्रेस्ड देन ब्रॉट हिम सेल्फ हिज एल्बो विथ अ स्नॉट एंड बिगैन टू स्टेयर एट टॉम तो नॉर्मली जब हम लोग सो के और उठते हैं तो अंगड़ाइयाँ लेते हैं हाथ पैर फैला, हाथ फैलाते हैं पैर फैलाते हैं तो उसने भी ऐसा ही किया अपने कोहनी को फैलाया जैसा नॉर्मली हम लोग उठने के बाद किया करते हैं और फिर टॉम की ओर वो देखने लगा टॉम वेंट ऑन ग्रोनिंग टॉम जो है वो दर्द से करा रहा था टॉम व्हाट्स गोइंग ऑन आस्क सिड फिर सिड ने पूछा कि टॉम क्या हो रहा है फ्राइटेंड बाय द नॉइज टॉम वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग तो वो समझ रहा था कि वो दर्द से उसको दर्द हो रहा है इसलिए वो डरा हुआ है नो रिस्पॉन्स इसलिए कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हे टॉम टॉम वाट इज द मैटर टॉम तो फिर उसने पूछा कि टॉम बताओ क्या बात है टॉम मोन्ड आउट ओह डोंट सिड डोंट जॉगल मी लेकिन टॉम फिर भी दर्द से चलाने चलाना जारी रखा और उसने कहा कि सिड मत करो मुझे परेशान मत करो बट आई मस्ट डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम इट्स ऑफुल तो फिर सिड ने कहा कि मुझे हाँ मुझे करना चाहिए क्योंकि तुम दर्द से चिल्ला रहे हो और ये बहुत भयानक है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ग्रोनिंग दिस वे तुम कितने लंबे समय से इस तरह से चिल्ला रहे हो आवर्स ओह डोंट सिड आई एम डाइंग घंटों से सिड बड़ा आश्चर्य रहा ये सुनकर बड़ा आश्चर्य रहा कि वो एक घंटों से चिल्ला रहा है और मैं सो रहा हूं नो टॉम यू डॉइंग तो टॉम ये बता रहा है कि मैं दर्द से मरे जा रहा हूं तो फिर सेट कहता है, नहीं टॉम तुम नहीं मर रहे हो इट्स मेक्स माई फ्लैश क्रॉल टू हियर यू यह मेरे मांसपेशियों को मेरे पूरे बदन को ये एक भयानक संकेत दे रहे हैं वॉट इज द मैटर मस्ट कॉल आंटी क्या बात है क्या मुझे आंटी को बुलाना चाहिए आई फॉर गिव यू एवरीथिंग सिड सी टॉम इन अ फ्रेश बूट ऑफ ग्रोन्स तो फिर टॉम ने कहा कि मैं तुम्हें हर बात के लिए क्षमा कर दूंगा वेन आई एम गॉन यू गिव माई विंडो शेस एंड माई कैट विथ वन आई टू दैट न्यू गर्ल हुज कम टू द टाउन एंड टिल हर तो फिर ये टॉम कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा दर्द से करार भी रहा है मतलब तो दर्द से दर्द के कारण वो बोल रहा है सीट को कि टॉम मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा और जब मैं चले जाऊँ तो तुम विंडो का जो शैस है विंडो का जो कपड़ा है मेरी जो बिल्ली है और विथ वन आई टू दैट न्यू गर्ल और एक जो नई नई लड़की है जो टाउन में नई आई है उसे बताना बट सिट हैड फ्लोन डाउन स्टेयर्स एंड इन्फॉर्म्ड आंट पॉली कम क्विक आंटी टॉम्स डाइंग लेकिन इतने देर तक सुनते सुनते भी सिट जो है वो सीढ़ियों से नीचे उतरा और आंट पॉली को बुला लिया इन्फॉर्म किया तो उसने ये कहा कि जल्दी आई आंटी टॉम मर रहा है वॉट रबिश आई डोंट बिलीव इट क्या बेकार की बातें कर रहे हो मैं इस पर विश्वास नहीं करती बट पुअर लेडी हरिड अप स्टेयर्स विद सिड एंड मैरी एट हर हील्स तो वह बेचारी लेडी जो है वो बहुत जल्दी 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 ऊपर चढ़ी सिड के साथ और मैरी के साथ हर फेस ग्रू वाइट एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड उसका चेहरा जो है वो सफेद पड़ गया था और लिप्स जो ओठ हैं वो कांप रहे थे व्हाट्स द मैटर विथ यू टॉम क्राइड उसने चिल्लाते हुए कहा कि टॉम क्या बात है ओह आंटी माई टो आंटी मेरा मेरे पैर की उंगलियाँ व्हाट इज द मैटर विथ योर टो क्या समस्या है तुम्हारे पैर की उंगलियों के साथ ओह आंटी माई सोर टो इज गोइंग टू फॉल ऑफ मेरा जो जो की उंगलियां है वो ऐसा लग रहा है कि वो गिर जाएगा टूटकर गिर जाएगा द ओल्ड लेडी सेंड डाउन इन अ चेयर विथ रिलीफ तो वो ओल्ड लेडी आराम, आराम से वो चेयर पे बैठ गई शी लाफ्ट लिटिल उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराया then cried a little और थोड़ा सा चिल्लाया दोनों को फिर एक साथ भी किया हंसा भी और चिल्लाया दिस मेड हर फील बेटर तो उसने अपने आप को अच्छा महसूस किया शी सेड टॉम यू रियली डिड फ्राइटेंड मी टॉम तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सचमुच मुझे डरा दिया था नाउ यू स्टॉप दिस नॉन सेंस एंड गेट आउट ऑफ योर बेड तो ये सब बेकार की बातें हटाओ और अपने बेड से उठ जाओ टॉम फील्ड फुलिश एट दिस एक्ट नाउ दैट ही वॉज कॉट अब टॉम जो है वो बड़ा मूर्ख बन गया अपने ही किए कर्म पर जो उसने एक्ट किया था ही सेड आंटी माई टू हर्ट सो मच दैट आई वॉज नॉट वरीड अबाउट माई टूथ एट ऑल उसने फिर आंटी से कहा कि मेरे पैर की उंगलियां तो मेरी दर्द तो है लेकिन मैं उसके बारे में चिंता बहुत दर्द है दैट आई वॉज नॉट वरीड इसलिए मेरे दांतों में जो समस्या है उसके लिए मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ व्हाट्स द मैटर विथ योर टूथ तुम्हारे दांतों को लेकर क्या परेशानी है वेल वन ऑफ देम्स लूज एंड इट एक्स ऑफ फुल मेरे दांतों में से एक दांत थोड़ा सा लूज हो गया है ढीला हो गया है दैट मींस टूटने के कगार पे है इसलिए बहुत दर्द हो रहा है ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी सेड हिज आंटी तो उसके आंटी ने कहा कि अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो यस इट इज लूज ऑल राइट बट यू आर नॉट गोइंग टू डाई बिकॉज ऑफ दैट हाँ ये दाँत चोटने के कगार पर तो है लेकिन इस कारण से तुम तो मरने नहीं वाले हो मैरी गेट मी सिल्क थ्रेड एंड अ चंक ऑफ फायर आउट ऑफ द किचन उन्होंने मैरी से कहा कि मुझे एक सिल्क का एक धागा दो और कुछ आग के टुकड़े जो हैं वो किचन से मेरे लिए ले आओ टॉम सेड ओह प्लीज आंटी डोंट पुल इट आउट इट डजेंट हर्ट मी एनी मोर फिर टॉम ने कहा आंटी कृपया आप इसे खींचकर बाहर ना निकालें मुझे इससे कोई समस्या नहीं है प्लीज डोंट आंटी प्लीज़ ऐसा मत करिए आई डोंट वॉन्ट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल मैं घर पे नहीं रखना नहीं रहना चाहता मैं स्कूल जाना चाहता हूँ यू कैन सी इन दिस पिक्चर ओह यू डू डोंट यू क्या तुम करते हो या नहीं करते हो सो ऑल दिस ड्रामा वॉज बिकॉज यू थाट यू वुड गेट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल एंड गो फिशिंग तो अब आंटी ये समझ गई तो इसलिए ये सब ड्रामा चल रहा था कि तुम घर स्कूल तुम्हें ना जाना पड़े और तुम फिशिंग के लिए जाओ टॉम टॉम आई लव यू सो मच बट आई एम वेरी अनहैप्पी विथ यू मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन तुम्हारे से मैं बहुत नाखुश हूँ नाराज हूँ यू सीम टू ट्राई एवरी वे यू कैन टू ब्रेक माई ओल्ड हर्ट विथ योर आउट्रा गियसियसनेस मैं हमेशा तुमको ये पाती हूँ कि तुम मेरे बूढ़े हृदय को हमेशा चोट पहुँचाने का प्रयास करते हो जिससे मेरा हृदय मतलब ऐसा ऐसा शॉकिंग बिहेवियर तुम यूज़ करते हो जिससे मेरा हृदय जो है वो बहुत सहम जाता है टूट जाता है बट दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स वे आर रेडी लेकिन इस समय जो था वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट जो सिल्क था जो आग का टुकड़ा था वो सब रेडी था द ओल्ड लेडी फास्ट एंड वन एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड टू टॉम्स टुथ विथ अ लूप एंड टाइड द अदर टू द बेड पोस्ट अब इस समय लेडी जो है वो ओल्ड लेडी दट मीन्स अंड पॉली वो बहुत जल्दी जल्दी सिल्क का थ्रेड लगाई उसका एक लूप बनाया दैट मीन सर्किल जैसा बनाया और फिर एक हा विथ अ लूप एंड टाइट टू द बेड पोस्ट और दूसरा जो है वो बेड पोस्ट पर बांध देन शी सीज चंक ऑफ फायर एंड सडनली थर्स्ट इट ऑलमोस्ट इन टू द बॉयज फेस और उन्होंने आग का छोटा सा एक टुकड़ा लिया और वहां पर रख दिया प्रेशराइज कर मतलब दबाया उसको जहां पर दांत था द टूथ हैंग डेंगलिंग बाई द पेस्ट बेड पोस्ट नाउ और इस प्रकार जो था वो जो ढीला जो टूटने वाला दांत था वो बेड पोस्ट पर आ गिरा सो दिस इज द समरी इन हिंदी ऑफ योर फर्स्ट लेसन मंडे मॉर्निंग ब्लूज आई होप यू अंडरस्टूड इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क टू मी Thank you. And this lesson is written by Mark Twain. Thank you. Have a nice day.